या अगर ये समझ आ गया तो आपको एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये सारे टॉपिक्स का आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, तो एग्जांपल को ध्यान से आपने समझना है ताकि सब आगे का भी प्रोसेस आपके लिए ईजी हो जाए। तो क्या है हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने माना है कि एक लेबर एक पेन बनाता है ऑफ 1 रुपीज़। तो एग्जाम्पल में हमने माने हैं हमारे पास 1000 लेबर्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट हो जाएगा अगर हमारे 1000 लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो अगर हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करें कि एक लेबर एक पेन बनाता है एंड वी हैव 1000 लेबर्स, तो मैक्सिमम पेन्स वी कैन प्रोड्यूस इज 1000, और उसकी वैल्यू भी होगी हमारी 1000 रुपीज़, क्योंकि हम मान रहे हैं एक पेन 1 रुपये का। अब आगे बढ़ते हैं इसी एग्जांपल में कि मान लो हमारी जो डिमांड आई है इकॉनमी में वो है 1000 पेन्स की, तो हमने 1000 लेबर्स लगाए और वो पेन बनाए और हम अपना ऑर्डर भी पूरा हो गया हमारा जो डिमांड का था, और साथ साथ हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट भी आ गया। तो यहाँ ग्राफ में अगर हम देखें तो ये जो डिमांड कर्व बना है ये सप्लाई को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा इसको हम नाम दे देते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, क्योंकि 1000 ही हमें जो हम मैक्सिमम था वो बना सकते थे एट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, और 1000 की डिमांड भी आ गई। तो यहाँ ए डी ए एस आपस में मैच हो गए और देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। यानी ये जो डिमांड कर्व था ये एकदम बेस्ट था, एकदम अप्रोप्रिएट था, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 1000 पेन्स की डिमांड आई, हमें इतनी ही चाहिए थी। क्योंकि अगर डिमांड कम आ जाती 1000 पेन से तो फिर हमें लेबर्स भी अपनी कम एम्प्लॉय करनी पड़ती, वही पॉइंट अब मुझे आगे समझाना है। तो ये था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट। तो एग्जांपल अगर आपको समझ आ गया, इसी की थोड़ी और मैं भी डिटेल बनाऊंगा तो आगे के पॉइंट्स भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो सिचुएशन का नाम लिखा है हमने डेफिशिएंट डिमांड। मान लो अभी जैसे मैंने बताया कि हम बना तो सकते हैं 1000 पेन्स क्योंकि हमारे पास 1000 लेबर है, पर मान लो डिमांड ही सिर्फ 800 की आई, तो अब 1000 तो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डिमांड ही 800 की है। तो डिमांड क्योंकि कम है तो हम बनाएंगे भी कम, और अगर हमें प्रोडक्शन कम करनी है तो लेबर्स भी हम सिर्फ 800 से ही काम चला लेंगे, क्योंकि हमने एग्जांपल में मान रखा है एक लेबर एक पेन बनाता। तो इसका मतलब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि लेबर है हमारे पास 1000 और ज़रूरत है पर हमें सिर्फ 800 की, तो हम 800 ही एम्प्लॉय करेंगे। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि डिमांड जो है वो कम रहेगी। अब ये जो एडी हमने बनाया था पहले, यहाँ लिखा हुआ मैंने एडी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, ये हमारा बेस्ट एडी था, एक रिक्वायर्ड एडी था, अच्छा एडी जो कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करवा देता। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि जो इकॉनमी में असलियत में डिमांड आई वो इस रिक्वायर्ड वाले से थोड़ी कम रही। तो ये देखो इसके नीचे मैंने एक ब्लू कलर से नया डिमांड बना दिया, ये दिखा रहा है कि डिमांड कम है। तो क्योंकि डिमांड कम है तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप जब बुक में देखोगे सारा उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा वो लैंग्वेज कहना क्या चाहती है, उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको समझा दिया। डिमांड कम रही इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, और आउटपुट भी अब हमारा कम बनेगा, देश में इनकम भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो ये है हमारा डेफिशिएंट डिमांड, और ये जो गैप आ रहा है इन दो डिमांड कर्व्स में यहाँ, इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमने इसको रिवर्स कर देते हैं। एक्सेस डिमांड, ये तो हो गया हमारा बेस्ट वाला डिमांड जो हमें 1000 आ रही थी डिमांड, और बिल्कुल सब बेस्ट था। अब डिमांड हो गई उससे ज़्यादा, यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया 1200। अब देखो लेबर ही हमारे पास 1000 है और एक लेबर वन पेन बना रही है, हमने जैसे एग्जांपल माना था अपना सिंपल, तो हम तो मैक्सिमम बना सकते हैं 1000 आउटपुट, बट पब्लिक की जो डिमांड आ रही है वो आ रही है 1200। अब 1200 का तो आउटपुट हम नहीं बना सकते 1200 पेन, क्योंकि हमारे पास उतनी लेबर नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे मैक्सिमम 1000 ही बनता है, और क्योंकि डिमांड उससे ज़्यादा आ रही है और बन तो सकता नहीं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में सबको पता है चीज़ कम है डिमांड ज़्यादा आ जाए तो प्राइस बढ़ जाते हैं। पर यह है कि हम अपनी तरफ से फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं,
और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते, आउटपुट भी फुल लेवल पे है, इनकम भी फुल पे है, पर आप डिमांड अगर बढ़ाते जाओगे तो वो सब हम और बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम पहले ही फुल पे हैं। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट यही है कि यहाँ प्राइस राइज हो जाएंगे। तो ये है हमारा एक्सेस डिमांड। तो फिर सिंपल बोलूँ, ये हो गया हमारा बेस्ट डिमांड ब्लैक कलर वाला, इससे नीचे चला गया था डिमांड तो वो हो गया था हमारा डेफिशिएंट, ऊपर चला गया था तो एक्सेस। और ये आप थोड़ा रफ में एग्जांपल अगर दिमाग में रखेंगे तो आपके जो इसके इफ़ेक्ट्स समझाने होते हैं वो बड़े ईजी हो जाएंगे। ये मैंने एक बार आपका जॉइंट भी करके दिखा दिया सिंगल डायग्राम में दोनों सिचुएशन। ये तो हो गया मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला बेस्ट, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुई, 1000 की डिमांड आई, 1000 आउटपुट आया तो सब बढ़िया हुआ, एम्प्लॉयमेंट फुल हो गई 1000, सब ठीक हो रहा। पर अगर पब्लिक ने डिमांड इससे ज़्यादा कर दी ये रेड वाली तो एक्सेस डिमांड, इससे नीचे कर दी तो डेफिशिएंट डिमांड। तो याद रखने के लिए डायग्राम बनाने के लिए आपको ये मैंने एक जॉइंट बना दिया, वो अब आप पेपर में देख लेना आपसे कौन सा पूछा गया, और यहाँ पे मैंने ये समझा भी दिया। ये रेड वाला हो गया आपका एक्सेस, और इससे नीचे चले गए तो ये हो गया हमारा ब्लू डेफिशिएंट।